काश मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई होती, काश मैं उन डॉक्टर के पास ना जाके उन डॉक्टर के पास गई होती जहां मेरी फ्रेंड ने डिलीवरी कराई थी, तो शायद मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती। काश मैंने अपने घर वालों की बात मानी होती और शुरू से डॉक्टर को दिखाया होता, तो फिर मैं सही जगह पहुंचती। हेलो ऑल, मैं डॉक्टर सोनल परिहार आज आपको कुछ ऐसे मिथ्स और जो गलत फहमियां आपके दिमाग में चलती हैं उसको क्लियर करने आई। एज अ डॉक्टर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ मेरी नहीं सारी गायनेकोलॉजिस्ट सारी ऑब्स्टेट्रिशियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको समझाएं कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन में क्या प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्यों सडनली नॉर्मल डिलीवरी होते होते सिजेरियन हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने डॉक्टर से ठीक से डिस्कस नहीं कर पाते, डॉक्टर टाइम शॉर्टेज की वजह से आपको समझा नहीं पाते, समझाते हैं तो शायद आप आधी बात समझ पाते हैं आधी बात नहीं समझ पाते क्योंकि आप जल्दी में होते हैं, आप घबराए हुए होते हैं। कई बार डॉक्टर्स भी ढंग से नहीं समझाते, मानती हूँ कई बार उनका मूड खराब होता है, जल्दी जल्दी में नहीं समझा पाते हैं या फिर उनको गुस्सा आ रहा होता है किसी बात पे या वॉट एवर, आपको लगता है कि भाई बात नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, हम पूछ नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप डर जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आप डॉक्टर चेंज कर देते हैं, आप कभी उस डॉक्टर के पास वापस नहीं जाते क्योंकि आपको लगता है कि उन्होंने जबरदस्ती मेरा सिजेरियन कर दिया, अब मैं दूसरी डॉक्टर के पास जाऊंगा। दूसरी डॉक्टर आपसे पूछती है पहला सिजेरियन क्यों हुआ था, क्योंकि ये जरूरी है हमको जानना कि पिछले बच्चे में क्या प्रॉब्लम हुई थी, तो आप कहते हमको नहीं पता, हमें तो डॉक्टर ने बोला सिजेरियन करना पड़ेगा, तो हमने हाँ बोल दी, हम क्या करते, हम तो डर गए। तो ये सारी बातें आज हम क्लियर करेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है, और मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से सुने इस वीडियो को कि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स क्या होती है, सो दैट नेक्स्ट टाइम कभी आपकी आपके रिश्तेदार की किसी की डिलीवरी हो रही हो तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। अगर डॉक्टर कुछ बोल रहा है तो आप समझ सकते हैं, अगर डॉक्टर ढंग से नहीं समझा रहा है तो आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, हमको समझाइए आप हमसे जो साइन करवा रहे हैं क्यों करवा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके और डॉक्टर के बीच में तालमेल बना रहेगा, डॉक्टर को लगेगा कि समझदार है तो ढंग से समझाएंगे, अगर किसी कारणवश वो आपको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, आपको नहीं समझा रहे तो ढंग से बैठ के समझाएंगे, लिख के समझाएंगे, और आप जब साइन करेंगे तो आपको पता रहेगा कि क्या। काफी पहले मेरा एक वीडियो आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि डिलीवरी के लिए 3 P बहुत इंपॉर्टेंट है, P फॉर पावर, P फॉर पैसेंजर एंड P फॉर पैसेज। आज हम पहले सबसे पहले पावर की बात करेंगे। पावर यानी कि बच्चेदानी में दर्द आना, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आना। अब ये आपको भी पता है कि जब आपको हल्के हल्के दर्द आने शुरू होते हैं आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को दर्द बढ़ाने के लिए इंजेक्शन के लिए बोलते हैं, डॉक्टर खुद भी इंजेक्शन लगाते हैं जिसको हम ऑक्सीटोसिन के नाम से जानते हैं, ड्रिप में लगाते हैं। दो चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है, पहली बात तो ये ऐसा कोई इंजेक्शन मार्केट में नहीं है जो आपकी प्रॉपर लेबर पेन को कम कर सके। बहुत से पेशेंट मेरे को कंप्लेन करते हैं, बहुत से लोगों के मेरे मुंह से सुना है कि हम रात में गए थे डॉक्टर को नींद आ रही थी, डॉक्टर ने अपनी नींद पूरी करने के लिए हमको जानबूझ के ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जिससे कि हमारे दर्द खत्म हो गए और डिलीवरी हमारी लेट हो गई, या फिर उस इंजेक्शन की वजह से दर्द खत्म हो गए तो सिजेरियन हो गया। ऐसा कोई इंजेक्शन आता नहीं है पहली बात तो। हाँ, हल्के फुल्के जो इंजेक्शन पेन रिलीफ के लिए हम आपको देते हैं वो तब देते हैं जब हमको लगता है आपको फॉल्स लेबर पेन, प्रॉपर लेबर पेन नहीं आया है, तो जबरदस्ती का बैक एक और जबरदस्ती का जो डिस्कम्फर्ट है उसको कम करने के लिए जिससे आप रिलैक्स हो जाएं तब हम देते हैं, बस वो तभी काम करेगा। ट्रू लेबर पेन को कोई इंजेक्शन खत्म नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि बहुत तेज पेन आएंगे तभी डिलीवरी होगी, वैसे वर्षा उल्टा भी हो सकता है, यानी कि बहुत तेज पेन आ रहे हैं उसके बावजूद नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही, या फिर हल्के पेन में पता ही नहीं चला कब बच्चा निकल भी गया, कब रास्ता पूरा खुल गया और डॉक्टर ने हल्का सा औजार लगा के या फिर दर्द का इंजेक्शन लगा के हल्के दर्द में बच्चा पैदा करा दिया। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, हर प्रेगनेंसी अलग होती है, आप ही के दो बच्चों में अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है, पहली डिलीवरी में पेन नहीं आया, दूसरी डिलीवरी में तेज पेन आया, पहली में नॉर्मल हो गया सेकंड में नॉर्मल नहीं हुआ। एक ही लेडी के अंदर हर प्रेगनेंसी हर डिलीवरी अलग होती है और ऑफकोर्स बॉडी टू बॉडी डिफरेंट होती है, ठीक है। ये तो हो गया पावर। सेकंड आता है पैसेंजर यानी कि बच्चा। अब बच्चे में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, बच्चे के अंदर ये तो आपको पता है, मेरा एक वीडियो आ चुका है कि उल्टा बच्चा क्यों नॉर्मल हम लोग पैदा नहीं कराते, होने को होता है बट नॉर्मली हम लोग क्यों नहीं कराते, वो वीडियो बहुत हिट हुआ है, आप लोगों ने बहुत लाइक किया है, आई थिंक मोर देन 3 मिलियन व्यूज हैं उसके, उसको जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे एक नॉर्मल डिलीवरी, बच्चा जो कि सीधा नीचे आ गया, डॉक्टर ने बोला बच्चा सीधा है, सिर नीचे है, नॉर्मल हो जाएगा, उसके बावजूद भी नीचे आके वो नहीं आया, मतलब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, तो ऐसा क्यों होता है। एक इंपॉर्टेंट वर्ड होता है जो कि आपको पता होना चाहिए, फ्लेक्शन, फ्लेक्शन FLEXION। मेरा सिर मान लीजिए बच्चे का सिर है, इसको बोलते हैं फ्लेक्शन, जब बच्चे की ठुड्डी बिल्कुल उसकी चेस्ट पे ऐसे चिपकी हुई होती है इसको बोलते हैं फ्लेक्शन।
अगर हल्का सा भी सिर ऊपर हुआ तो बच्चे का ये वाला जो पोर्शन है, जो डायमीटर है, जो आपकी हड्डी के बाहर से निकलना है, जिसको कि आउटलेट डायमीटर बोलते हैं, अगर ये बढ़ गया तो फिर ये बच्चा फंस जाएगा। तो बच्चे ने जरा सा भी सिर ऊपर किया या फिर उसने पूरा ऐसे ऊपर कर दिया तो उसके जो बाहर की जो डायमीटर्स हैं, जो हड्डी से बाहर निकलने हैं, वो चेंज हो जाएंगे। तो पूरी तरह से जो अच्छा फ्लेक्स्ड हेड होता है वो अच्छे से निकलता है। डीफ्लेक्स्ड हेड यानी कि बच्चे ने सिर ऊपर कर लिया या एक्सटेंड कर दिया, फेस प्रेजेंटेशन हो गया, ब्राउ प्रेजेंटेशन हो गया, तो ऐसे केसेस में बच्चा फंस जाता है। नॉर्मल डिलीवरी होने में दिक्कत आती है, औजार की जरूरत पड़ती है, और ब्राउ प्रेजेंटेशन में तो वो बिल्कुल ही फंस जाता है, उसका कोई तरीका ही नहीं, उसको सिजेरियन से ही निकालना पड़ता है। तो बच्चा भी कई बार हरकत करता है, सीधा होने के बावजूद दिक्कत देता है। कई बार बच्चा अपना सिर के ऊपर ऐसे हाथ रख देता है, उसको बोलते हैं कंपाउंड प्रेजेंटेशन। कंपाउंड प्रेजेंटेशन यानी कि सिर के साथ हाथ भी बाहर आ रहे हैं। अब ऑब्वियसली अगर हाथ बाहर आएगा तो ये जो हिस्सा है ये बढ़ गया, जो चीज बाहर निकलनी है हड्डी के बाहर वो उसका डायमीटर बढ़ गया, तो ऐसा बच्चा फंसने के चांसेस रहते हैं। अगर उसका हाथ दब गया तो उसकी कोई नाड़ी दब जाती है, ऐसे में कॉर्ड दब जाती है, बच्चे की धड़कन कम हो जाती है, तो अच्छा खासा नॉर्मल होते होते जबरदस्ती इमरजेंसी सीजरियन हो जाता है, क्योंकि बच्चे को भी बचाना होता है। पावर पढ़ लिया, पैसेंजर देख लिया कितनी दिक्कत देता है कई बार बच्चा। अब आते हैं पैसेज। पैसेज यानी कि यूट्रस। ये तो सबको पता है कि बच्चेदानी के अंदर अगर फाइब्रॉइड है, स्पेशली अगर कोई रुकावट है, या फिर आउटलेट डायमीटर जिसको कि हड्डी की छोटापन बोलते हैं, जिसको CPD भी बोलते हैं, अगर ये सब प्रॉब्लम्स है तो वो तो पता चल ही जाएगा। जनरली क्या होता है, जो बहुत शॉर्ट हाइट लेडीज होती हैं, 5 फीट से कम होती हैं, उनमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका बच्चा शायद फंस सकता है, स्पेशली अगर बड़ा बच्चा है। बट प्रैक्टिकली 22 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैंने आज सच कभी ऐसा देखा नहीं कि बहुत लंबी चौड़ी लेडीज को आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो रही है और छोटी हाइट की लेडीज को डिलीवरी नहीं हो रही है। ये सब अब थ्योरेटिकल हो गया, इसका आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। बट मेन बात पैसेज में, यानी कि यूट्रस से लेके वजाइना तक का जो कनाल है उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि बच्चेदानी का मुंह पूरा खुलना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि चौथे पांचवें बच्चे में बच्चेदानी का मुंह पूरा नहीं खुल पाता। ऐसा क्यों होता है, ये कुदरत है। बच्चेदानी का मुंह जो है, जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, कई बार डैमेज हो जाता है। कई बार कोई प्रीवियस सर्जरी हुई है या फिर डिलीवरी के समय डैमेज हो गया, तो फाइब्रोटिक हो जाता है। फाइब्रोटिक होने की वजह से जो उसकी इलास्टिसिटी है, जो इलास्टिक फाइबर्स उसको रिलैक्स करती, वो नहीं हो पाती, तो वो नहीं खुल पाता। अब अगर नहीं खुल पाएगा तो फिर डॉक्टर ना औजार लगा सकते हैं, ना वो किसी तरह से उसको खींच के नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अच्छे खासे दर्द आते आते भी बच्चा अटक गया क्योंकि रास्ता खुला ही नहीं। तो ये हो गया पैसेज की प्रॉब्लम। तो आपने देखा कि पावर में भी कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं, पेन हल्का होते होते, तेज होते होते वापस हल्का हो जाता है। कई बार ऐसा होता है जब बच्चा निकलने के पॉइंट पे होता है, जब डॉक्टर बोलते हैं 8-9 सेंटीमीटर डायलिटेशन हो गया है, बच्चा होने वाला है, तब दर्द बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। ऐसे केस में आप थक जाते हैं, जोर नहीं लगा पाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं अब दर्द कम हो गए हैं। कई बार बच्चा फंस जाता है, रोटेट नहीं कर पाता, फ्लेक्शन डिफ्लेक्शन हो जाता है, रास्ता 8 सेंटीमीटर खुल के रह जाता है, 2 सेंटीमीटर कम रह जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कई बार एंड टाइम पे होती है, और ऐसे टाइम पे आपको अपने डॉक्टर का विश्वास नहीं करना चाहिए कि हम तो गए थे नॉर्मल डिलीवरी कराने, इन्होंने तो एंड टाइम पे बोल दिया, अरे भाई अब क्या करें, अब तो रास्ता खुल ले रहा है। ये हमारे हाथ में नहीं है। तरह तरह के इंजेक्शंस मार्केट में है, हम देते हैं, एपिडोसिन देते हैं, ऑक्सीटोसिन देते हैं। कई बार बच्चा पेट में पॉटी भी कर देता है, हरा हरा पानी, मीकोनियम स्टेनिंग, इस पे भी मेरा वीडियो आ चुका है, ये सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। मीकोनियम स्टेनिंग हो गया तो क्या करेंगे, बच्चे ने पॉटी कर दी, अब क्या करेंगे, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। डिलीवरी होने वाली है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, पॉटी कर दी कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं पिएगा, आधे घंटे में बाहर आ जाएगा। बट अगर मान लीजिए डिलीवरी के 6-7 घंटे पहले बच्चे ने पॉटी कर दी, तब तक वो अंदर उसको पीता रहेगा, फिर वो लंग्स में जाके, उसके फेफड़ों में जाके जाम हो जाएगा, तो ऐसे केस में ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ये बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए कि डॉक्टर क्या बोल रहे हैं। इसी तरह की एक और प्रॉब्लम है जो कि डिलीवरी के समय हो जाती है और बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, पर जब होती है तो डायर इमरजेंसी होती है, डॉक्टर के पास टाइम भी नहीं होता आपको बताने का कि क्या हुआ। उसको बोलते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स, यानी कि सडनली बच्चे की जो बॉडी है उसके सिर के आसपास से या उसके बाकी किसी बॉडी पार्ट के आसपास से जो नाड़ है, अम्बिलिकस कॉर्ड जो होती है, वो बाहर आ गई। अगर वो बाहर आ गई और डिलीवरी में टाइम है, तो ऐसे केसेस में उसमें जो पल्सेशंस, जो ब्लड सप्लाई बच्चों को मिल रही है, वो खत्म हो जाती है। तो हाथों हाथ से सिजेरियन करना पड़ता है। इसी तरह से अगर बच्चे का हाथ बाहर आ गया या फिर जब बच्चा उल्टा होता है उसका पैर बाहर आ गया, कोई भी चीज अगर वजाइना के बाहर आ गई या फिर सर्विक्स के बाहर वजाइना में आ गई और एयर के कांटेक्ट में आ गई, तो ऐसे में जो ब्लड सप्लाई होती है वो कट ऑफ होनी शुरू हो जाती है। तो ये डायर इमरजेंसी होती है। कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया, हैंड प्रोलैप्स हो गया,
फुट प्रोलैप्स हो गया, कोई भी चीज अगर बाहर आ गई डिलीवरी से पहले, पूरा बच्चा निकलने से पहले, तो वो नुकसानदेह होता है और ये डायर इमरजेंसी होती है। तो गाइज आई होप इस वीडियो से आपको कुछ तो समझ में आया होगा कि क्यों डॉक्टर सडनली आपको बोलते हैं कि हमको सिजेरियन करना पड़ेगा। और आप प्लीज प्लीज इन बातों को ध्यान में रखिए कि जो भी डॉक्टर बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, आप उसको रजिस्टर करके रखिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम हुई थी पिछली बार, डॉक्टर से क्वेश्चनिंग करिए और अगली बार जो डॉक्टर आपसे पूछे क्या हुआ था तो आपके पास पूरा जवाब होना चाहिए कि ये हुआ, राइट? तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत जल्दी मैं वापस से कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेके आपके सामने हाजिर हूँ।